Hi, this is Kaveri Priyam. Hi, this is Paras Arora. And we are doing a segment called Teri Meri Kahaniya with PNT. बस तेरी मेरी कहानियों के अलावा जो हमारी हमारी कहानियां होती है वो हम सब शेयर करते हैं दूसरे से. और द बेस्ट पार्ट इज पारस के पेट में सब पच जाता है. पारस मतलब उस इट्स वेरी मतलब अच्छे अच्छे सीन्स बहुत ही इजीली और बहुत ही लाइटली बिना मेरे को कैरेक्टर में जाने के लिए रहना पड़ता है, टाइम लगता है. मतलब ये तो ऐसे ही करते थे, मतलब ऑफ टाइम मतलब सीन के बीच में राइट वीडियो कॉल करता है और मैं बीच में आ जाती हूँ. पारो नहीं क्वालिटीज बता दी, अब ये पूछो क्या करती है. वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल. हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन? शुरू से शुरू करेंगे. हम पहली बार मिले थे रीडिंग के टाइम पे, है ना. तो फर्स्ट टाइम आई मेट देयर, तो आई वाज हैप्पी. ओके. और इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन क्या था? अच्छा, आई कुड सी दैट ऑन योर फेस कि ये खुश थी मुझे देख के. आई थिंक बिकॉज़ क्योंकि मैं सबसे लास्ट में आया था शो में. बिकॉज़ आई वांटेड अ यू नो कूल फ्रेंडली टाइप ऑफ अ को-एक्टर. And he appeared and seemed to be a nice guy and we have a lot of common friends. So उन्होंने भी बताया था पारस अच्छा लड़का है, good co-actor. और ऐसा ही हुआ. हाँ ऐसे ही हुआ. I'm so happy and grateful. हाँ मतलब same ही था यार, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब of course ये जब हम reading के time पे मिले तो आई थिंक आइस ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा. वो हमने थोड़ी बहुत बातचीत तभी शुरू कर दी थी तो मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी टू जेल अप वर्क विद. तो वैसा सिचुएशन रहा है शुरू से. और ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा ये काम को लेके अपनी सीरियस है तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी. तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा यू नो सिंसियरली काम करना पड़ेगा क्योंकि लड़की बहुत ध्यान दे रही है. हाउ इज योर बॉन्ड? वेरी गुड फ्रेंड. हाँ, unbreakable bond. Do you guys share your secrets? Yes. हमारी जो तेरी मेरी कहानियों के अलावा जो हमारी हमारी कहानियाँ होती है वो हम सब शेयर करते हैं दूसरे से. और the best part is पारस के पेट में सब पच जाता है. Good friend. मैं इधर से उधर नहीं करता, इसके पेट में भी सब पच जाता है. Two qualities you like in her? I think ये खाने को बहुत खुश होके खाती है, एक अच्छी क्वालिटी है. मतलब कभी भी यू नो एक पूरा कितनी भी टायर्ड हो, कितना भी काम कर रहे हो, कुछ भी हो, लंच टाइम पे बहुत खुश होती है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. और वो जो जिस रूम में हम लंच करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है कि सब अच्छे से खाते हैं, खुशी से खाते हैं बहुत. और ऑफकोर्स जो मैंने बहुत बार बोला है ये चीज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यू नो डेडिकेटेड है और बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी चीज़ों को लेके. ये कैरेक्टर में घुसी रहती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती है. आई थिंक ये सिर्फ मैं नहीं बाकी सब लोग ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये बहुत मेहनती लड़की है पारस. मतलब उस इट्स वेरी मतलब अच्छे अच्छे सीन्स बहुत ही इजीली और बहुत ही लाइटली बिना मेरे को कैरेक्टर में जाने के लिए रहना पड़ता है, टाइम लगता है. मतलब ये तो ऐसे ही कर देता है, मतलब केक वॉक है इसके लिए. तो मैं सोचती हूँ आई एम जेलिस. मतलब ये क्या सोचेगा कि आई एम डेडिकेटेड एंड ऑल, लाइक आई एम जेलिस, मेरे को इतना नहीं रहना डेडिकेटेड. सो ये एक चीज़ है. और दूसरा इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बींग. तो वो होता है ना, अच्छे ह्यूमन बींग को अच्छा ह्यूमन बींग मिल जाता है तो सब अच्छा हो जाता है. सो इट्स द थिंग इज़ लाइक दैट. तो things he does in his off time? Sleep and video call. off time matlab scene ke beech mein right answer video call karta hai samajh gaya tum question aur main beech mein aa jati hu room mein paro phir pata chalta video call okay paro acha ha nahi qualities bata di ab ye puchho kya karti hai ha video call audio call बस. Who is more foodie? ये तो दोनों ही हैं, हम दोनों ही foodie हैं. Don't lie. But मैं control करता हूँ ना, मैं diet करता हूँ. पसंद है मुझे खाना, but मैं नहीं खा सकता हूँ.
इसे पसंद दिखाना, ये खाती है तो ये फर्क है. Who is a cry baby? Mo. Cry baby. Actually कोई नहीं है. Cry baby तो ये भी नहीं है. Who says sorry first? ऐसा कोई काम ही नहीं किया हमने. हमने ऐसा कभी काम ही नहीं किया. हमें झगड़ा नहीं हुआ वैसे. हाँ. छोड़. अभी तक कुछ. हुआ है क्या? नहीं. याद आ रहा क्या तुझे कुछ? नहीं. सॉरी मैंने बोला है एक दो बार सीन के बीच में. मैं इसको अगर किसी चीज़ के लिए शुरू में टोक देता था ना तो ये थोड़ी सी दुखी हो जाती थी. तो मैं बोलता सॉरी आज के बाद नहीं बोली. ये बहुत शुरू शुरू में होता था. तब मैं बोलता सॉरी. मैंने कभी गलती की नहीं ना तो इसी ने की तो इसने सॉरी बोली है. ठीक है. स्वैग. नहीं ऐसे स्वैग. हाँ पारस में है थोड़ा स्वैग है. मतलब हाँ है, है, है थोड़ा है. मेरे अंदर कोई स्वैग नहीं है. ये तो मैं मानता हूँ. मैं बोलता हूँ होना चाहिए थोड़ा सा. हाँ. लास्टली मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स. अब मैं पारो से स्वैग सीखूंगी. स्वैग सिखाएगा तू मेरे को? मैं सब कुछ सिखा दूंगा इसको. मैं इसको एक चीज सिखाना चाहता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी. टेक के बीच में ही लोग हंसी अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते. मैं टेक से पहले कुछ भी बात करता हूँ हंसी आती है पर मैं रुक जाता हूँ. ये और इसकी बहन ये रुकते नहीं है फिर हम फंस जाते हैं. तो सबसे पहले तुम ये सीखो. इतना तो कोई नहीं हंसते. हम हंसते हो? नहीं कभी कभी होते टेक में. वो तो जान बूझ के. चलो सीख गए. इट्स फन. बस हमें बहुत मजा आया इस सेगमेंट में. यस यस. इसकी और मेरी कहानियां आई होप आपको भी अच्छी लगे. Thank you.